अस्सलाम वालेकुम नाजीन, आप देख रहे हैं गुस्ताखी माफ और मैं हूं बतूल। आज मेरे साथ महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरपर्सन आफाक अहमद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको जेल से बाहर की हवा खाने को मिल रही है परमानेंटली इंशाल्लाह। मेरा पहला सवाल ये होगा कि अल्ताफ हुसैन से झगड़ा क्या हुआ था आपका? जहरन की पॉलिसी से इख्तिलाफ था। जो हमने महाजर तहरीक का आगाज किया था तो बुनियादी तौर पर जाहिर है हम महाजर आवाम के जो बुनियादी हकूक हैं वो पाकिस्तान की जोग्राफी में रहते हुए हम हासिल करना चाहते थे। अल्ताफ साहब ने जब ये ब्रीफिंग देना शुरू की कि वो इस मुल्क के जोग्राफी में रहते हुए माजर आवाम के हकूक हासिल नहीं किए जा सकते और हमें अवामी ताकतों की मदद से कराची को अलग करना होगा तो हमने इख्तलाफ किया, हमसे और अलग हो गए। ठीक है, लेकिन ये रीजन तो आपने मुझे दी है, कुछ जरा ये भी कहते हैं कि रीजन ये थी कि सुबह बनना चाहिए मगर उनको जो फोर्सेस टैकल कर रही थी वो उस वक्त सुबह नहीं बनाना चाहती थी और आप चाहते थे कि लसानी बुनियादों पे रहे महाजर कौमी मूवमेंट, ये मुतहदा का नाम ना रखे, कौमी सत्ता पर नहीं जाना चाहते थे आप लोग, लसानी बुनियादों पर फंडामेंटलिज्म थॉट था। जहां मैंने आपसे कहा कि एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी की वजह से इख्तलाफात थे, उन इख्तलाफात में एक वजह यह भी थी जो आपने अभी फरमाया, अल्ताफ हुसैन ने मुतहदा कौमी मूवमेंट बनाने की कोशिश की। हमने कहा कि पहले महाजर अवाम के मसाइल हल कीजिए, फिर आप पूरी कौम के मसाइल हल कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। महाजर अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं वो भी आपने हासिल नहीं किए। महाजर अवाम को आपने पांचवीं कौमियत तस्लीम करवाने की बात की थी, महाजर अवाम को आज भी लोग तस्लीम नहीं करते, बल्कि लोगों से तस्लीम कराना तो दूर की बात है, आपने ही महाजर अवाम को उर्दू बोलने वाला सिंधी की इस्तलाह दे दी और आपने उर्दू बोलने वाले सिंधी कहना शुरू कर दिया जो गैर मुनासिब थी। इख्तलाफात में एक वजह यह भी थी, लेकिन लसानी बुनियाद पर सूबे की तकसीम की बात न मैंने पहले की थी न मैंने आज की। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सी बात नहीं कि देखिए पहले मुहाजिरों के हकूक पूरे कर दें बाद में सारी कौमियतों को टैकल कर लेंगे, ये तो थोड़ा ये मसावात तो नहीं हुआ है ना। देखिए नेशनल इश्यूज जिसमें मुल्की सलामती का मामला है उसमें जाती हैसियत में भी हर शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए और चाहे वो कौम परस्त तंजीमें हैं उन्हें भी किरदार अदा करना चाहिए। कौम परस्त तंजीम होने का मकसद ये नहीं है कि आपका मुल्की मामला से ताल्लुक खत्म हो गया। ठीक है, जब आप फेडरलिज्म पे बिलीव करते हैं? यकीनन फेडरेशन पाकिस्तान को मजबूत करती है और हम इससे इनकार नहीं करते। तो फिर आप ये बात क्यों नहीं करते कि तमाम कौमियतों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, पहले मुहाजिरों के इस आप मुझे लॉजिक दे देना कि पहले मुहाजिरों का ख्याल रखो फिर सिंधियों का, लॉजिक दे दें। देखिए मैंने ये नहीं कहा, मैं तादाद भी ज्यादा नहीं मुहाजिरों की सिंध में, फिर भी क्यों? देखिए आप इस तरह मतलब इस चीज को कंफ्यूज नहीं कीजिए आवाम को। मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ मेरे घर में आग लगी है तो मैं कहूँ पहले पड़ोसी के गार्डन में जाके पानी डाल के आ जाओ तो ये कौन सी? लेकिन सिर्फ महाजिर तो नहीं रहते ना, ना ही कराची में सिर्फ महाजिर रहते हैं। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि महाजिर अवाम के जो मसाइल थे हमने कभी ये नहीं कहा कि सिंधियों का गला घोट के महाजिर अवाम के मसाइल को हल किया जाए। सिंधी अपने जो उनके हकूक हैं उनको इंजॉय करें, लेकिन जो लसानी बुनियाद पर आप एक तफरीक पैदा कर रहे हैं और की कि आपने कोटा सिस्टम रख के शहरी और देही का आपने खुद तकसीम, आप लसानी बुनियादों पर सियासी जमात को कौमी लेवल तक जाने नहीं दे रहे, ये भी तो लसानी है ना। देखिए मैंने फिर आपसे कहा कि एक जाती हैसियत में भी मुल्की मामलात के अंदर हर शख्स अपना रोल अदा कर सकता है। अगर हम अपनी कौमियत की बुनियाद पर लोगों को जमा करना चाहते हैं, लोगों को मुत्तहिद करके अपने वसाइल को इस्तेमाल करके उनके मसाइल हल करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां मुल्की मफाद का मामला आएगा तो जाती हैसियत में जब शख्स अपना रोल प्ले कर सकता है तो एक लसानी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, क्या ऐसा है कि वो एजेंसी जो एक वक्त में आपको और अल्ताफ हुसैन को साथ लेकर चल रही थी फिर आपके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लसानी या एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर जो आपके इश्यूज हुए वो आपके पर्सनल इश्यूज थे, उसमें एजेंसी का रोल नहीं था और उसके बाद टेररिस्ट ग्रुप को आप लीड कर रहे थे, अल्ताफ हुसैन एजेंसी की मर्जी से चल रहे थे, आपके एजेंसी से इख्तलाफात हो गए, इसी बेस पे आपको जेल में डाल दिया गया, तो ये वो इंटरनल कुछ इंफॉर्मेशन है जो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने आपका बड़े तहमुल से सवाल सुन लिया। आपने मुझे कहा कि सब मैं मिलिटेंसी को डील करता था या मिलिटेंट ग्रुप को लीड करता था, ऐसा कतई नहीं था मेरा जाहिर। आप मुहाजिर खेल और खजी ग्राउंड के सुपरवाइजर नहीं थे? मेरा तो तंजीमी रोल था, मैं वहां जाहिर तंजीमी जितनी भी सरगर्मियां थी उनका इंचार्ज था और अल्ताफ हुसैन को मालूम है, अल्ताफ हुसैन के अलावा तमाम लोगों को मालूम है कि वहां जाहिर नजरियाती तौर पर हमारे जो पुराने साथी थे तरबियती नशिस्तों का एहतमाम तंजीमी सरगर्मियां उन्हीं के जिम्मे थी। मिलिटेंसी को कभी भी हमने डील नहीं किया। फिर कौन डील कर रहा था?
बहुत सारे और लोग मिलिटेंट के, ये तो आपने मान ली कि उस वक्त की मुहाजिर कौमी मूवमेंट में मिलिटेंसी थी। बिल्कुल थी। कौन डील कर रहा था उसका? सलीम शहजाद। और सलीम शहजाद के साथ और भी साथी थे उनके, जिसमें अनीस कायम खानी भी थे, हैदराबाद में वो डील कर रहे थे, यहाँ सलीम शहजाद डील कर रहे थे। आप तो जाहिर है कि अल्ताफ हुसैन ने अपनी मर्जी के दूसरों की राय लिए बगैर बहुत सारे लिए, जिसकी वजह से ही इख्तिलाफ हुआ। मुत्तहिदा कौम बनाने का फैसला भी उनका जाती था, उन्होंने लोगों को एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनसे नाला थे, अजीम तारिक उनसे नाला थे, एस एम तारिक उनसे नाला थे, नाराज थे। अच्छा ये बात है कि फहीम कमांडो और नईम शरी, ये वो दो हैं जो फहीम कमांडो मुहाजिर खेल को टैकल कर रहे थे, नईम शरी खजी ग्राउंड को टैकल कर रहे थे, और इन दोनों को आपने ट्रेन किया था, पूरा इल्जाम सुन लीजिए। और उसके बाद जब 1992 के ऑपरेशन के बाद ये दोनों टॉर्चर सेल्स को खत्म किया गया तो बैतुल हमजा बना दी गई, और अगर वो टॉर्चर सेल्स आप नहीं चला रहे थे और सलीम शहजाद चला रहे थे तो फिर आपने वहां पर अपना दफ्तर क्यों बना? कहाँ पे उन टॉर्चर सेल्स? अगर टॉर्चर सेल खत्म करके वहाँ पे कोई मस्जिद बना दी जाए तो फिर हम ये कहेंगे साहब मस्जिद क्यों बना दी टॉर्चर सेल क्यों? नहीं तो वो तो जमीन आपकी नहीं थी ना, हुकूमत की जमीन थी। जमीन हुकूमत की नहीं थी, वो किसी का घर था, और जब हमने वो बैतुल हमजा बनाया है तो वो हमने प्लॉट खरीदे हैं, केडीए से अलॉट कराए हैं, और वो उस वक्त की महाजिर कॉमिटमेंट के पास नहीं थे। प्लॉट आपने अलॉट आपको नहीं हुए थे? महाजिर कौमी मूवमेंट को अलॉट किए गए वो प्लॉट, 7 प्लॉट थे बैतुल हमजा के, उस पर बैतुल हमजा बना है, ये जाके आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि वो जमीन आपके नाम थी, लेकिन आपको नहीं लगता था कि अब जो जमीन पहले टॉर्चर सेल्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, चाहे आप नहीं करें कोई और करे, तो आपको क्या जरूरत है अपने सेंट्रल ऑफिस वहीं पे बनाना है? आपको कराची में कोई और जगह नहीं मिली? बाबा अगर मेरे घर पे कोई कब्जा करके वहाँ टॉर्चर सेल बनाएगा तो उसके बाद क्या मैं इसको? लेकिन वो टॉर्चर सेल्स तो तब के है ना जब आप पार्टी का हिस्सा थे, यानी कि आपकी पार्टी में चलती वलती नहीं थी, वो आपके साथ कोई भी सुलूक कर लेते थे, फिर आपकी तो कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ना होगी ना? आप लोग असल में इन्फॉर्मेशन आपके पास गलत होती है, और आप लोग इस पर थोड़ा वर्क कर लिया कीजिए ताकि लोगों को सही आप नहीं, तो मैं तो इल्जाम डिस्कस कर रही हूँ। इल्जाम किसका है? ये तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है। जिस टॉर्चर सेल की आप बात कर रही हैं वो महाजिर खेल के नाम से था, वो एक अलग मकान है और वो आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास है। बैतुल हमजा जहां हमने तामीर किया वो 7 प्लॉट हमने महाजिर, लेकिन उससे एफिलिएटेड था ना सर, आपकी एक्टिविटीज थी, ये इल्जाम है आप पे। अरे भाई खजी ग्राउंड के अंदर इल्जाम आपसे शेयर करूं तो वो इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इल्जाम का जवाब तो देना चाहिए ना। मैं दे रहा हूँ, लेकिन मतलब ये क्वेश्चन अजीब सा है कि अगर खजी ग्राउंड में वहां टॉर्चर हो रहा था या टॉर्चर सेल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बनाए थे, तो क्या अब उस टॉर्चर सेल को हम म्यूजियम बना के रखेंगे? यहाँ मुत्तहिदा का टॉर्चर सेल था, जाहिर है वहाँ कोई नई डेवलपमेंट, यानी कि आप इतने हम्बल हैं कि आप टॉर्चर सेल पे बाद में अपना घर बना सकते हैं। बाबा टॉर्चर सेल थे अल्ताफ के, तो क्या उस टॉर्चर सेल को अगर किसी जगह पर अल्ताफ ने कब्जा करके टॉर्चर सेल बनाए थे तो क्या उस जमीन को हमेशा बंजर रखा जाए या उस जमीन को हमेशा म्यूजियम के तौर पर रखा जाए? वहां नई डेवलपमेंट हो सकती है। खजी ग्राउंड में आज पार्क नहीं बना हुआ, गवर्नमेंट से पूछिए आपने इस टॉर्चर सेल के ऊपर पार्क क्यों बनाया? तो टॉर्चर सेल पे क्या टॉर्चर सेल ही सिर्फ तामीर हो सकता है? ओके फेयर एनफ। मुहाजिर कॉज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे आप, अभी कर रहे हैं मुहाजिर कॉज के लिए स्ट्रगल? बिल्कुल। तो फिर आप उनके लीडर क्यों नहीं है? लीडर तो अभी भी अल्ताफ हुसैन है। देखिए लीडर होना और ना होना इसकी तस्दीक के सर्टिफिकेट आप या मुझे कोई और नहीं देगा। बात यह है कि मैं अगर किसी एक पार्टी को लीड कर रहा हूँ जो एक खास मकसद के लिए काम कर रही है, तो मैं उस पार्टी को तो लीड कर ही रहा हूँ। जहां तक ताल्लुक है कि साहब पूरी महाजिर कौम के लीडर क्यों नहीं है, तो महाजिर कौम जिस दिन आजाद होगी उस दिन ये फैसला आप और अवाम करेंगे कि कौन इस महाजिर कौम को लीड कर रहा है। इसलिए कि देखिए आजाद होगी मतलब इस वक्त हॉस्टेज है, मतलब मैं अवाम, आपको भी मैं अवाम में शुमार करता हूँ। आजाद किस तरह होगी? सुबह बन के जिस दिन हम कराची को डीवेपनाइज करेंगे, जिस दिन गवर्नमेंट डीवेपनाइज करेगी, यहाँ लोग अपनी मर्जी से हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे, अपनी मर्जी से सियासी पार्टी, आपने डीवेपनाइज किया अपनी पार्टी को, हमारे यहाँ वेपन नहीं है। अच्छा ये वेपन पुलिस वाले लेके खड़े हुए, हमारे पास वेपन नहीं है। मेरे पास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब आए थे जेल, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा हम खाली हाथ जाएंगे, तहफ़ुज आपकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 आपको पाबंद। उन्होंने आपको ये भी कहा था अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर ले, आइडियोलॉजी चेंज वो किस, वो पीपल्स पार्टी के कंसेंट से कह रहे थे या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कंसेंट से? मैं मतलब उनका भी बड़ा एहतराम करता हूँ वसीम साहब का, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि मुझे ये कहते कि आइडियोलॉजी चेंज कर ले, क्योंकि आपका आपका बयान था ना एक बड़े अखबार में, आपकी स्टेटमेंट ये छपी थी कि मैं एक अनडेमोक्रेटिक फैसला नहीं कर सकता डेमोक्रेसी के माहौल में, और ये मुझे कहा जा रहा है कि अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लो, तो भाई ये मैं नहीं कर सकता। ये कहाँ आपने पढ़ लिया? मैंने ना कभी ऐसी बात की और ना मैं समझता हूँ कि वसीम साहब इस किस्म की बात। तो इसके कहने का मतलब है कि जो मुल्क में बड़े बड़े अखबार काम कर रहे हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन छाप रहे हैं? हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उनको
गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी किसी मीडिया पर्सन को मैंने ये नहीं कहा कि आपकी आइडियोलॉजी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, मुझसे ये बात ना हुई, ना मैंने की, ठीक, ना उनकी उनमें इतनी अखलाकी जरूरत थी कि वो एक पार्टी के जिम्मेदार आदमी से ये कहें कि आप अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दें। मुझसे ये जरूर कहा गया कि आप शहर से बाहर चले जाइए, अगर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों चला जाऊं, मैं मेरा घर है, मेरा शहर है, क्यों चला जाऊं। और फिर मैंने उनसे कहा कि जो आपने हाई कोर्ट में ये अपने कमिट सबमिट किए थे मेरी एक इंफॉर्मेशन एक्ट की पिटीशन में कि जनाब कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है, तो आप तो मेरे घर को मेरे लिए नो गो एरिया बना रहे हैं, मेरे इलाके को आप मेरे लिए नो गो एरिया बना रहे हैं कि मुझे आप खुद कह रहे हैं कि आप शहर छोड़ के चले जाए, क्यों चला जाऊं। ठीक है नाज़िम, यहां पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजीन। आफाक साहब मुझे बताएं कि लांडी और मलीर और इस टाइप के और भी नोगो एरियाज थे, आपके जेर असर भी कुछ नोगो एरियाज थे, तो हैरानी की बात यह कि मुहाजिर पावर मूवमेंट के अंदर जो एरियाज है वहां से भी वोट नहीं पड़ता, एमएलए कभी वहां से नहीं बनते, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिये इसको थोड़ा सा मैं वजाहत के साथ आपको समझाता हूँ। मुतहदा कौमी मूवमेंट जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, उन्होंने जब स्टार्ट किया उस वक्त उनकी भी हालत यही थी जो हमारे बारे में तासुर है, काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सके थे। जब काम स्टार्ट करते हैं तो जाहिर मुश्किलात आती हैं। हमने 92 में अल्ताफ से अलहदगी इख्तियार की, सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर, नजरियाती इख्तलाफात की बुनियाद पर, उसके बाद हमने काम किया। अल्ताफ साहब को जो एडवांटेज मिला वो ये कि महाजिर नाम पर जो वैक्यूम था उसको उन्होंने फिल किया। हमें डबल जॉब करनी पड़ेगी कि हमें यह साबित करना पड़ा कि अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी गलत है, हमारी पॉलिसी दुरुस्त है। फिर अल्ताफ साहब जिस जमाने में हमने अलहदगी इख्तियार की, अल्ताफ साहब के पास बे इंतहा ताकत थी असलहे की, जिसका उन्होंने बेदरीग इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमें काम में बहुत मुश्किल आई। लेकिन इस बात का आपको एतराफ करना पड़ेगा कि सियासी सरगर्मियां जब हमें शुरू करने का मौका मिला और हमें अवाम में कुछ इलाकों में पीसफुली अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखने का मौका मिला और अवाम को हमने इंटरेक्ट किया, तो रिजल्ट ये आया कि इन्हीं इलाकों से हमने नेशनल प्रोविंशियल असेंबली की सीटें निकाली। इससे पहले हम इलेक्शन हमने लूज किया है, जब हमने इलेक्शन लूज किया है तो हमारे खिलाफ ये ऑपरेशन इस तरह का शिद्दत के साथ नहीं हुआ। जब हमने इलेक्शन जीते हैं और इलेक्शन में जहां से हारे वहां से भी बहुत अच्छी तादाद में हमें वोट मिले, जिससे अल्ताफ साहब खाइफ थे और अल्ताफ साहब ने अपनी जो बार्गेनिंग पोजीशन थी महाजिर अवाम के लिए कुछ हासिल करने की बजाय उन्होंने हम पे ऑपरेशन मुसलत करने की फरमाइश की, और वो इसी वजह से कि उन्होंने हमें पोलिटिकल थ्रेट समझा। फिर दूसरा देखिए, आप अगर ये क्वेश्चन करेंगे जनाब आपको अवाम ने वोट नहीं दिए, इसका मकसद है अवाम ने हमें मुसरत कर दिया, अवाम हमें पसंद नहीं करते, अवाम में अगर हमारी पजीराई नहीं है, अवाम हमें वोट नहीं देते, तो हमसे अल्ताफ खाइफ क्यों है, हमारे खिलाफ इतनी पाबंदियां? आपको क्यों लगता है कि अल्ताफ हुसैन आपसे डरते हैं? ऐसे क्या उन्होंने क्या इसलिए कि अल्ताफ हुसैन सच्चे आदमी नहीं है, झूठे हैं और झूठा आदमी हमेशा डरता है। उन्होंने अवाम से झूठ बोला, क्या झूठ बोला? अवाम को यरगमाल बनाया है, उन्होंने अवाम को ताकत के बल पर झूठ क्या बोला ये बताया, झूठ यही कहा कि उन्होंने महाजिर अवाम के हुकूक के उसूल के लिए तहरीक शुरू की और उन्होंने महाजिर अवाम को धोखा दिया। देखिए अल्ताफ साहब ने 1986 के दौर था जब उन्होंने जलसे किए और पंजाबियों के खिलाफ नारे लगाए, सिंधियों के खिलाफ नारे लगाए, नफरत आमेज उन्होंने स्लोगन्स दिए और महाजिर अवाम को यह कहा कि मुझे महाजिर अवाम से, महाजिर माओ बहनों से, हर घर से एक बेटा चाहिए, और लोगों ने अपने बेटे दिए, वॉलंटियरली लोगों ने बेटे कुर्बान करवाए कि ठीक है तहरीक की खातिर अगर जान भी जाती है तो जाए, और बहुत सारे लोग शहीद हुए। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि आपने उन्हीं लाशों पे पांव रखकर और मुतहदा कौम को बता दिया। ठीक है, अगर कोई शख्स झूठा है और पॉलिटिकली इनकरेक्ट है तो उसका मतलब है कि उसकी टांग में गोली मार दी जाए। टांग में गोली किसने मार दी? अल्ताफ हुसैन साहब को। अगर खुद मारी हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे इल्म में नहीं किसने मारी। इल्जाम आप पे आते हैं ना? नहीं, मुझ पे नहीं आता। देखिए मेरा, मैं मतलब शरीफ आदमी हूँ, लेकिन निशाना मेरा इतना कमजोर नहीं है कि मैं पांव पे मारू। यानी कि अगर मारनी पड़े तो कोई और मारेंगे? किसी और ने मारी होगी। नहीं, अगर आपका जवाब तो डिप्लोमेटिक है कि भाई मैं कंधे पे, दिमाग पे। मैंने आपसे अर्ज की ना कि मतलब मैं जाहिर है कि एक फौजी बाप का बेटा हूँ। बजाय कि आप ये कहते बड़ा फंडामेंटली जवाब दिया सर आपने। नहीं खत्म हो रही आप लोगों के दरमियान, तो टारगेट के लिए भी नहीं रुक रही। आप लोग उनके बंदे मार रहे हैं, वो लोग आपके बंदे मार रहे हैं। आप लोग जब इन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं निकलेंगे या कोई एक्सटर्नल फैक्टर आप लोगों को लड़वा रहा है तो आपको कुछ सियासी जमात या लीडर कैसे मान लें? आप लोगों के तो अपने ही मसले खत्म नहीं हो रहे, वो आपने आवाम के लिए क्या करना? देखिये आज मुझे रहा हुआ, आज मेरे ख्याल 13 या 14 दिन हो गए। इस 13 या 14 दिन में
हम अपनी सियासी सरगर्मियों को जिस तरह हम चाहते थे वो नहीं हम कंटिन्यू कर सके, लेकिन इसके बावजूद कहीं मैंने कहीं किसी से कोई तसादुम किया, मेरी पॉलिसी नहीं। लेकिन आपकी पार्टी के लोग तब भी मर रहे थे जब आप जेल में थे, मुतहदा के लोग भी मर रहे थे जब आप जेल में थे, वो कत्लों वाला खत्म नहीं हो रही, आप लोग लोकल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं आ रहे हैं सर। मैं आपको और आपके तवस्सुत से आवाम को ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर अल्ताफ साहब दहशतगर्दी कर रहे हैं तो उसमें हमें आप शामिल करके ये मत कहिए कि साहब तसादुम हो रहा है और आपकी वजह से शहर का अमन तबाह हो रहा है। मैं जेल में था उस वक्त, महाजर कौमी मूवमेंट सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकती थी, आज भी बहुत मुश्किल होता है। पीओएस पार्टी के साथ क्लैश हुआ मुतहदा कॉन्वेंट का, पीओएस पार्टी के रहनुमा कत्ल हुए, पीओएस पार्टी के मेरे सवाल से डेविएट मत करें ना, मेरा सवाल ये है कि मुहाजिरों की तो आपस में बन नहीं रही है, आप लोग एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते थे ना, तो जब आप लोगों की जितनी कंप्लीट अगर आप लोगों की ही आपस में नहीं बन रही है तो हम आपसे कैसे उम्मीद कर ले कि आप फिर पंजाबियों के हकूक का ख्याल रखेंगे, आप सिराकियों के हकूक का ख्याल रखेंगे, आप बलोचियों की, आप तो एक कौमियत से है, आपकी अपनी कौमियत में इत्तेफाक नहीं है, हम आपसे एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं। देखिए कौमियत में इत्तेफाक कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे मौके ऐसे आए हैं कि बहुत सारी कौमियतें जो है वो मुख्तलिफ जगह तकसीम रही हैं सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर, नजरियात के इख्तलाफ की बुनियाद पर, और उसमें यह तासुर दे देना कि जनाब कौम तकसीम हो गई और महाजिर अवाम में भी यह तासुर देने की कोशिश की गई कि आपने महाजिर कौम को तकसीम किया, अगर अच्छे और बुरे अलग होते हैं तो उससे कौम तकसीम नहीं होती। लेकिन मुहाजिर कॉज तो एक्सप्लॉइट हो रहा है ना, मुतहदा ने कुछ किया ना मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने कुछ किया, कोशिश कर रहे हैं हम तो आज भी मुहाजिर कॉज के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्ताफ ने मुहाजिर नजरिए से इन्हिराफ किया है, अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिर कौम को पीठ में छुरा घोंपा है, आफाक अहमद तो आज भी ये कहता है कि अल्ताफ हुसैन अपना बरतानवी पासपोर्ट सरेंडर करके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान आए और मुहाजिर कौम के लिए मुहाजिर नजरियात जो उन्होंने आवाम को दिए थे, आप आके महाजिर जद्दोजहद कीजिए, हम आपके शाना बशाना होंगे, हमें तो क्यादत का शौक नहीं है। आपकी पार्टी के लोग एमके में चले गए काफी सारे, बहुत सारे लोग हैं, क्यों आप उनको छोड़े, आप अपनी बात करें, यहाँ पे यहाँ से वहां क्यों चले गए। देखिए जो लोग चले गए ये सवाल अगर उनसे करें तो बेहतर है कि वो क्यों चले गए। नहीं, वो नदीम उल इस्लाम साहब का एक बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा देखिए जी 20 साल हो गए ये मुहाजिर कॉज के लिए, उन्होंने हमें हालत जंग में रखा हुआ, हम तंग आ चुके हैं, इसलिए मैं जो हूँ 450 लोगों के साथ मुतहदा कौमी मूवमेंट में ज्वाइन किया, और मैं और उनका ये भी कह रहा था कि प्लीज इल्ताफ हुसैन हमें माफ कर दो जो हमने आफाक अहमद का साथ दे दिया, तो आपकी पार्टी तो इतना टूट रही है तो फिर लीडरशिप कैसे निकलेगी, मुल्क संभालना तो बड़ी दूर की बात लगेगी। मैं आपसे नदीम का स्टेटमेंट आया, उनका जज्बाती स्टेटमेंट था, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं देता, कि साहब वो उन्होंने जाके माफी मांगी, अगर अल्ताफ ने महाजिर नौजवानों का कत्ल किया था, अगर ये मुतालबा किया जाता कि महाजिर नौजवानों के जो तुमने कत्ल किए हैं, जो महाजिर माओ और बहनों की तुमने गोदियां उजाड़ी हैं, उनके उनका चैन सुकून छीना है, उनसे माफी मांगो तो हमें अच्छा लगता। हमने अल्ताफ से कभी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया कि हमने को गलत काम किया, इसलिए कि हम महाजिर कौम के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। अल्ताफ हुसैन, लेकिन आपकी पार्टी से लोग क्यों जा रहे हैं, ये अच्छा साइन तो नहीं है। लोग अभी आप जेल से आए हैं बजाय कि वो आपका वेलकम करते कि भाई हमारा लीडर बाहर आ गया, वो तंग आके आपसे आपको छोड़ के जा रहे हैं। जेल से आने के बाद मेरे पास से कोई नहीं गया, मेरे पास तो लोग आए हैं, अभी भी लोग इरिटेट हो रहे हैं ना, कुछ खबरें भी तो होती है ना कि लोग आपसे इरिटेट हो रहे हैं। मेरे पास से जेल से आने के बाद मेरी पार्टी का कोई आदमी कहीं नहीं गया, बल्कि मेरी पार्टी में लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, उन अफराद ने जो मुतहदा कौमी मूवमेंट को जिन्होंने ज्वाइन किया था, और बाकायदा परसों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने मुझसे आगे नहीं तो मुझे सिर्फ ये जस्टिफाई कर दे कि आपकी लीडरशिप की आपकी अपनी पार्टी के लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो 20 साल से आपके साथ थे, अच्छा वो कह रहे हैं कि अब आप कॉज के लिए काम नहीं करेंगे, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि तो इल्जाम है ना। मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ, अगर आपके जहन में हो 92 के ऑपरेशन के अंदर जब मुतहदा कौमी मूवमेंट महाजर कौमी मूवमेंट थी, उस वक्त बीसीयू एमपीए और उनके एमएनएस, उनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अमीनुल हक, उनके जिम्मेदार बदर इकबाल, कितने लोगों ने मुतहदा कॉमेंट उस वक्त की महाजिर कॉमेंट को छोड़ के हमें ज्वाइन किया था, तो क्या उस वक्त की उस इकदाम को आपने कभी नोटिस किया? बहुत सारे जिस किस्म के हालात से हम गुजर रहे हैं उन हालात में बहुत सारे लोग, यानी 10 साल का अरसा कम नहीं होता, इस 10 साल के अरसे में न सिर्फ लोग कत्ल किए गए बल्कि जेलों के अंदर बेगुनाह उनको, ठीक है मुझे इस सवाल का जवाब दे दे, इन हालात से इस सवाल का जवाब दे दे, शख्स ने अपने घर को अपने आप को बचाने के लिए मसलहतन अगर कहीं उन्होंने पनाह ली या उन्होंने शेल्टर लिया मुतहदा कौमी मूवमेंट का, तो मुतहदा कौमी मूवमेंट के साथ वो खुशी से शामिल नहीं हुए, जिसका रिजल्ट ये है कि आज मेरे आने के बाद
बीसियों लोगों ने आके मुझे ज्वाइन किया और उसके बाद वो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इल्ताफ हुसैन की फेवर में तो शो कर ही नहीं रही हूँ, ये तो मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम दोनों को डिस्कस जरूर करना है। इसलिए अगर मेरा इंप्रेशन कहीं ऐसा जाए कि मैंने इल्ताफ हुसैन को अपडेट किया तो इंतहाई गलत इंप्रेशन मैंने लूंगा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट एक थी ना, आप थे और वो थे, मुहाजिरों ने नहीं रिलाई किया दोनों लीडर्स पे, आप पे और उन पे, आप लोग लड़ गए, आप लोग अलग हो गए। इल्ताफ हुसैन ने क्या दिया? मुहाजिरों को कुछ भी नहीं, मुहाजिर भी मर रहे हैं, पठान भी मर रहे हैं, मर तो सारे रहे। अब मुहाजिरों के पास ऐसी कौन सी रीजन है कि वो कहे यार इल्ताफ हुसैन ने तो हमारा दिल तोड़ दिया, आफाक अहमद नहीं तोड़ेगा, क्यों सपोर्ट करें वो आपको? वो तो उन्हें वो तो तंग आ जाएंगे ना, ये मुहाजिर 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 के नाम पे हमें इतने सालों से ख्वार किया हुआ है। वो आपके पास इसे क्या बॉटम लाइन बताया, आपके पास इसे क्या अट्रैक्टिव सेंटेंस है कि देखो अब मैं आ गया हूं तुम लोगों का मसीहा? वो क्यों अल्ताफ हुसैन के बाद अब आप पे भरोसा करें? देखिए लोग ये देखते हैं कि कौन अपना मौकिफ गिरगिट की तरह रोजाना तब्दील करता है। आफाक अहमद जिस दिन से महाजिर तहरीक के लिए काम कर रहा है आज तक उसने अपना मौकिफ तब्दील नहीं किया, और ये अवाम को पसंद है। आज अगर अवाम हॉस्टेज है, ठीक है, मुश्किलात का सामना है, मैं दावे से कहता हूं कि कराची जिस दिन डिवेपनाइज होगा, अल्ताफ हुसैन को भी आपकी पोजीशन का पता चलेगा और आपको भी एहसास होगा कि हाँ महाजिर नाम पर लोगों ने कुर्बानी दी थी और वो महाजिर सियासत ही चाहते हैं। भत्ता लेते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन लेता? अल्ताफ साहब ले रहे हैं, सबको पता है। इसके अलावा यहाँ से बांग्लादेश अपनी इंडस्ट्री क्यों लेके जा रहा है? बिजनेस कम्युनिटी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट पंजाब क्यों लेके जा रही है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराची में क्यों नहीं आ रही? कराची के अंदर अगर अल्ताफ हुसैन की वजह से स्टेबिलिटी होती, कराची के अंदर अगर अल्ताफ हुसैन की वजह से डेवलपमेंट होती तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही होती, यहाँ से लोग बांग्लादेश अपनी फैक्ट्रियां लेके नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है एमकेएम के पीछे कौन सी फोर्सेज हैं? बैन-उल-अक़वामी फोर्सेज हैं जो कराची को तबाह करना चाहती हैं, कराची को डिस्टेबलाइज करके पाकिस्तान को इकोनॉमिकली। और आपके पीछे कौन सी फोर्सेज हैं जो कराची को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहती? अम्मा की दुआओं की फोर्स है, अल्लाह की। ये तो जज्बाती जवाब दे दिया ना आपने, बिल्कुल कन्विंस करने वाला जवाब देना। मेरे पास मेरे पीछे कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि आपकी अम्मा बैठ के आपका मैनिफेस्टो तो नहीं बनाती हूँ। मैनिफेस्टो मैंने बनाया लेकिन दुआएं उनकी। अब बैन-उल-अक़वामी फोर्सेज में जस्टिफाई या डिफरेंशिएट करें कौन से ममालिक बैन-उल-अक़वामी सतह तो बहुत बड़ी है। देखिए जो ताकतें आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम से खाइफ हैं वो अल्ताफ जैसे लोगों को इस्तेमाल करके कराची को भी डिस्टर्बलाइज करेंगी पाकिस्तान के अंदर। अल्ताफ हुसैन जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट्स के लिए खतरा है? डेफिनेटली, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन को ये ताकत या ये सलाहियत हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो आपके एसेट्स हैं उनको स्नैच करे, लेकिन वो दूसरों की इमा पर कराची को तबाह करके मुल्क की मईशत को तबाह करके आपको उस नहज पर ले जाने की। इन शॉर्ट अमरीका की इमा पर आप कह सकते हैं। जुल्फिकार मिर्ज़ा आपके दोस्त हैं? बिल्कुल हैं। उनसे इत्तेहाद करेंगे आप? मैं तमाम ताकतों से जो कराची को डीवेपनाइज करके यहाँ पीस लाना चाहती हैं उन तमाम लोगों से, खासतौर पर वो ताकतें जो इल्ताफ हुसैन के खिलाफ हो। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्ताफ हुसैन के साथ अलाए हैं। इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी है, वो डिवेपनाइजेशन की बात कर रही है, हम एक नुक्ते पर उसको भी अपने साथ शामिल करेंगे, वो तो अल्ताफ हुसैन की इत्यादि है। क्या ऐसा है कि एजेंसीज लाए हैं आपको अल्ताफ हुसैन को करीब? एजेंसीज के कहने पर ना मैंने पहले कभी काम किया ना मैं आइंदा कभी कर सकता हूँ। ये तो आपने बड़ा मासूमाना जवाब दे दिया सर। मैं अब इसको किस तरह तब्दील करूँ कि इसकी मासूमियत खत्म हो जाए इस जवाब की? जी आप एक्सप्लेन करें ना मुझे, क्योंकि ऐसे तो ये तो नहीं, मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तो सर सब वजाहत चाह रही हूँ आपसे। नहीं, हकीकत है कि मैं कभी एजेंसियों के लिए मैंने कभी काम नहीं किया और ना मैं एजेंसियों के कहने पर कोई आइंदा फैसले करूंगा। जो फैसले करूंगा मैं अपनी कौम के मफाद में करूंगा और अपनी पार्टी के मफाद में। नहीं, उन्होंने तो कहा ना महाजिर भूखे नंगे हैं, आप उन्होंने आपको महाजिर का वकील नहीं हूं, पहले मैं एक मरतबा वजाहत कर वो वजाहत मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन या तो फिर आपकी जो सोचने की सतह है उतनी ऊंची है और बाकियों की इतनी कम है कि उनको जुल्फिकार मिर्ज़ा का बयान इसी कॉन्टेक्स्ट में नजर आया कि उन्होंने महाजिरों को डिग्रेड किया है और आफाक अहमद ने माइंड नहीं किया कि या तो आप बहुत ज्यादा हम्बल है या आपके पीछे कोई और, इसके पीछे कोई और रीजन। अगर वो वजाहत ना करते तो यकीनन बुरा मानने की बात थी और उस पर एहतजाज में करता। मैं ऐसा नहीं हूं कि साहब जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब से मेरी दोस्ती है तो जुल्फिकार मिर्ज़ा साहब के मैं मतलब महाजिर कौम के साथ होने वाली ज्यादती या बेइज्जती। दोस्ती क्यों आपके जुल्फिकार मिर्ज़ा? इसलिए कि वो कराची में अमन चाहते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। आफाक साहब, ये थोड़ा सा सीरियस नोट है, वैसे तो अभी तक सीरियस ही था लेकिन ये कुछ ज्यादा सीरियस है। कुछ जरा ये कहते हैं कि फारूक सत्तार जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अब भी मुहाजिर सूबे के हक में है उतनी ही इंटेंसिटी से जितनी माजी में आप रहे, इसलिए वो फैक्टर्स जिन्होंने इमरान फारूक को इस दुनिया से भेजा अब वो फारूक सत्तार के साथ भी कुछ ऐसा सलूक कर सकते हैं।
क्या इस बैकग्राउंड में, अगर ये आपके इन्फॉर्मेशन में है, आपके लिए पॉसिबल होगा एक ऐसे लीडर को पनाह देना, उनके लिए स्टैंड लेना या उन्हें अपनी पार्टी में बुलाने की ऑफर करना कि आप आए और मुहाजिर कॉज के लिए इकट्ठे काम करते हैं, अगर वो अपनी पार्टी में इनसिक्योर हो या उन्हें मारने की धमकी दी जाती है तो? मैं तमाम लोगों को दावत देता हूं। मैंने अल्ताफ साहब को जब ये कहा कि भाई आप बरतानवी पासपोर्ट छोड़ के पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आइए और महाजर कौम के लिए जद्दोजहद कीजिए, तो मैं ये दावत तमाम लोगों के लिए मेरी है कि फारूक सत्तार साहब हों या हैदर अब्बास रिजवी हों, जो लोग भी ये समझते हैं कि महाजर हुकूक के हुसूल के लिए हमें मुश्तक। लेकिन हैदर अब्बास रिजवी और अल्ताफ हुसैन और एक और पे भी आपने एक पिटिशन दी हुई ना कि 2007 में आप पे हमला करवाया, हमला करवाया आप 2007 में, और फिर आप इतने हम्बल हैं कि जॉब पे कातिलाना हमला करवाए बकौल आपके, आप उसको अपनी पार्टी में शामिल भी करें। देखिए अदालती कार्रवाई अलग चीज है, लेकिन पिटीशन तो आपने दी है ना? मैंने दी है, मैं इसमें और उसमें हैदराबाद जिजी का नाम भी है, और अब आप हैदराबाद जिजी को अपनी पार्टी में आने को कह रहे हैं। अगर वो शख्स महाजिर जद्दोजहद करने के लिए तैयार होगा तो मैं अपने साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों को दरगुजर कर दूंगा। ठीक है, आप कहते हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आपके पास सबूत है, सबूत कब सामने लेके आएंगे? किस चीज के सबूत? कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, आपने अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास कोई चीज अगर नजर आ रही है तो उसके सबूत मतलब क्या चाहिए? मतलब अगर आपके पास नहीं है, अगर नजर आई तो फिर आप तो ना लगे कि आपके पास है, और अगर आपके पास है तो आप सामने लें। जाहिर है सबूत ये है कि मेरे जो 350 अफराद कत्ल हुए हैं उनकी FIR दर्ज नहीं हुई है, और हम चाहते हैं कि मुतहदा गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। GIT के अंदर अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि हम लंदन की क्यादत पर आफाक पर हमला करने के लिए गए थे और हमें तमाम लोगों के कत्ल करने की हिदायत अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर मिलती थी, और अगर कोई शख्स GIT के अंदर ये कह रहा है कि मुतहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान के कत्ल भी हमने खुद किए और मुतहदा कॉन्वेंट की लीडरशिप के कहने पर किए, तो आप दहशतगर्दी के लिए और कौन से सबूत आपको चाहिए? आप कहते हैं मुतहदा ने आपके बंदे मरवाए, तकरीबन कितने मरवाए? 350 अफराद का कत्ल आप लोगों ने मरवाया? आप मुझसे बात कर रही हैं? आप जी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने मरवाया? मुझे तो नहीं मरवाया, मैं तो जिंदा हूँ, मैं बैठा हूँ। मैंने आपसे पूछा क्या आपने भी बदला लिया? अच्छा, आपने भी मरवाए? नहीं, आपने ये पूछा मैं गलत समझ बैठा। मैंने कभी तसादुम की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, मैंने कभी बदले की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। मैंने अपने साथियों को यह जरूर कहा है, मैं आज भी कहता हूं कि देखिए जब मूजी जानवर नमाज की हालत में अगर आपके पास आए तो आप नमाज की नियत तोड़ देते हैं, तो पार्टी की पॉलिसी या पाकिस्तान का आईन इंसान की जान बचाने के लिए कोई उसको पाबंद नहीं करेगा कि आप हाथ बांध के खड़े रहिए। अगर किसी पर कोई हमला करेगा तो मैं इजाजत देता हूं कि अपने दिफा में आप जो कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, कभी पाबंद आपको आपके बारे में इससे आजकल तासुर है कि आपको एस्टैब्लिशमेंट ने रिहा करवा दिया, सारे मुकदमा खत्म। एस्टैब्लिशमेंट रिहा करवा दी तो 8 साल पहले करवा दी, 8 साल जेल में क्यों सड़ाया? तब कोई हिकमत थी नहीं करवाया, अब करवा दिया? फिर वो हिकमत मेरे इल्म में नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने अदालत से रुजू किया और हाईकोर्ट क्योंकि कदरे इंडिपेंडेंट है बनिस्बत लोअर कोर्ट के, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने ये जरूरतमंदाना इकदाम किया कि हुकूमत के ना चाहते हुए भी उन्होंने ये देखा कि ये इनको नजरबंद गलत किया गया है और उस नजरबंदी को उन्होंने कलदम करा। ठीक है, आप कहते हैं कि इमरान खान लसानियत से बाहर नहीं आ रहे, सिंध सिर्फ सिंधियों का है। एक प्रेस रिलीज में मैंने आपका सेंटेंस पढ़ा, ऐसा क्यों लगता है आपको? सिर्फ सिंधियों का मैंने कभी नहीं कहा, मतलब हो सकता है कि साफी हजरात किसी चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको डिस्टॉर्ट करके उन्होंने बयान किया हो, मैंने कभी नहीं कहा कि सिंधी। लेकिन इमरान खान लसानियत की सियासत करें, ऐसा आपको क्यों लग रहा, क्यों लग रहा है? अल्ताफ इमरान खान बाहर नहीं आ पा रहे, यानी इस जलसे की भी आप अगर जाके रिपोर्ट देखें तो बहुत थोड़े से लोग पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग वहां पे हमें नजर आए जो हमने। लेकिन जब आपके ग्राउंड भी वही रहे हैं, जब आपकी प्रायोरिटीज भी पहले सिर्फ मुहाजिर रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे पे क्यों एतराज है? एतराज नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि वो कौमी सियासत का जो इम्प्रेशन है वो नहीं है, लसानी पार्टी है और लसानी पार्टी की हैसियत से कोई बात नहीं, वो उनको काम करना चाहिए, मना नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हो रहा था तो नवाज शरीफ ने कहा था कि हम मुतहदा कौमी मूवमेंट को तो सियासी जमात मानते ही हैं, आफाक अहमद है लीडर, अभी आपके उनसे रबते हैं या नहीं है? क्योंकि मंजर आम पे तो नहीं है। नवाज शरीफ से डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे दावत दी है लाहौर आने की, और मैं यहाँ की कुछ मेरी एक्टिविटी हैं उनसे फारिग होकर मैं लाहौर जाऊंगा, तो वहां मियां साहब से भी मेरी शायद मुलाकात हो और मैं कोशिश करूंगा कि उनको कन्विंस किया जाए कि कराची को नजरअंदाज ना करें, इसलिए कि कराची को मैं समझता हूं कि इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों ने नजरअंदाज किया है ये सोच के कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन डोमिनेट करते हैं और हमें वहां कोई पजीराई नहीं होगी,
तो उन्होंने यहाँ नजरअंदाज किया कराची को। मैं समझता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को यहाँ काम करना चाहिए। ठीक है, ये आपने जो सो मोटर एक्शन लेने के लिए चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी को बोला है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रही हूँ। सो मोटर एक्शन किस बात पर लेने के लिए मैंने कहा है? जो आपने कुछ आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटर एक्शन रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कराची आफाक अहमद सन ऑफ शफकत हुसैन और डिटेल्स हैं। जी आप मेरे ख्याल है आपने जो ये डिटेल निकाली है ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी भेज चुका हूँ जब सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो एग्जैक्टली तो मैं आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन चाह रही हूँ। इसमें काफी सारे पॉइंट्स आपने बोले कि डीमोरलाइज है पुलिस, अमन अमान की अगर हालत खराब है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन्वॉल्व है। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये थी आपने कहा था स्लॉटरिंग ऑन द कंसेंट ऑफ फॉरेन फोर्सेज, इसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। वैसे तो आप कह चुके कि अमरीका को सर्व कर रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपने डायरेक्टली इंडायरेक्टली ऐसा कहा, लेकिन उसको फर्दर एक्सप्लेन करें कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि फॉरेन फोर्सेज हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट अमरीका क्यों नहीं कहते, सिर्फ फॉरेन फोर्सेज क्यों कह दिया? देखिए सिर्फ मतलब हम किसी एक मुल्क को टारगेट कर रहे हैं कि अमरीका हो सकता है कि इसमें उसकी लीडिंग पोजिशन हो, लेकिन तमाम ही यूरोपियन ममालिक आपके न्यूक्लियर एसेट्स को चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दें या कैप कर दें। तो उसमें तमाम लोगों की ही रजामंदी शामिल है कि साहब कराची के अंदर जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं उनको सपोर्ट की जाए और वो कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कि अब आप कह रहे हैं कि महाजर कौमी मूवमेंट की शक्ल में आप महाजरों के लिए बहुत बड़ी होप है और आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। आपने मुझे ये भी बताया कि आप मुख्तलिफ जमातों से एएनपी से पीपल्स अमन कमेटी से कौम परस जमातों से मिल रहे हैं क्योंकि आप अपना मौकफ देना चाहते हैं और आपके लिए फर्क नहीं पड़ता कि कोई जमात छोटी या बड़ी हो, मुल्क के वसी तर मवाद में सबसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कन्विंस कैसे करेंगे, आपके पास रीजन क्या है कि देखो हम पे भरोसा कर लो? मैं उन्हें कोई महाजिर कॉज के लिए कन्विंस करने नहीं जा रहा, ठीक है ना। महाजिर मसाइल के ऊपर तो जाहिर है मैंने अपनी कौम से ही बात करनी है और मेरी कौम का मुझे मालूम है कि वो महाजिर नजरिए या महाजिर जद्दोजहद से दस्तबरदार होने को आज भी तैयार नहीं है। मैं अगर कौम परस्त तंजीमों से या एएनपी से या और दूसरे ग्रुपों से अगर मैं बात करना चाहता हूं या मेरे उनसे रबते हैं तो वो सिर्फ एक नुक्ते पर हैं, वो भी कराची को डीवेपनाइज करना चाहते हैं, वो भी असले की सियासत से तंग हैं, परेशान हैं, वो भी चाहते हैं कि कराची में अमन हो, हम भी चाहते हैं कराची। आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सियासी जमात मानते हैं? नहीं। आपको लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में बार बार बात करनी चाहिए? आपको लगता है कि वक्त का जाया है? नहीं, बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, कोई हर। लेकिन आपको क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके अलावा भी मुल्क में बहुत सारे मौजू हैं जिन पे बात करनी चाहिए? हाँ या ना? देखिए कराची हाँ या ना, सिर्फ इतना बता दें। आपको लगता है कि तो के, तो फिर आपकी वेबसाइट में सिर्फ मुत्तहिदा के हवाले से फैक्ट शीट ही क्यों मिलती है कि मुत्तहिदा ने कितने लोग मरवाए? आपकी वेबसाइट में कोई इन्फॉर्मेटिव चीज ही नहीं है सर, आपका एजेंडा तो है नहीं। आपको एजेंडा मिला ही नहीं इसमें? नहीं, मुझे नहीं मिला। महाजिर कॉमेंट का आपको मंशूर भी नहीं मिला, महाजिर मूवमेंट का आपको दस्तूर भी नहीं मिला, महाजिर कौमी मूवमेंट अब तक। मैं आपको जो जनरल इंप्रेशन एज अ रीडर आ रहा है वो बता रही हूँ मैं आपको सर। हमारे जितने नौजवान है वो ढूंढ ढूंढ के नहीं कहेंगे कि महाजिर कौमी मूवमेंट का मंशूर क्या। ये मेरा आखिरी सवाल है और इसका मुझसे आपसे एक मुफस्सिल जवाब चाहिए। आप अपने आप को एक बेहतर मुल्की लेवल की सियासी जमात कैसे बनाएंगे जब आप जब बात करते हैं तो सिर्फ एक आपके अकॉर्डिंग टेररिस्ट जमात के बारे में बात करते हैं? आप तो खुद इन इशू से बाहर आना चाह रहे सर, लोग एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं वजाहत कर चुका कि मैं कौमी सियासत का मुझे शौक भी नहीं है। मैं जाहिर अपनी महाजर कौम के जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहता हूं पीसफुली, इस पाकिस्तान की ज्योग्राफी में रहते हुए, इस कराची के अंदर अमन कायम करके, असले से पाक करके। और उसके अलावा मैंने आपसे ये कहा कि अगर मुल्क के मफादात कहीं खतरे में होंगे तो सियासी पार्टी ही नहीं जाती हैसियत में भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं क्या हम आफाक अहमद से ये एक्सपेक्ट करें कि वो कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ जाने के अलावा भी मुल्क के वसीतर मफाद में कुछ करें? अगर कराची पाकिस्तान की शहरग है और कराची डिस्टेबलाइज है, कराची की वजह से पूरा मुल्क सफर कर रहा है तो जाहिर है कि मैं बात उसी कराची में पठानों के भी इश्यूज है उनको भी एड्रेस किया जा सकता है, कराची में और भी बहुत इश्यूज है जिनको एड्रेस किया जा सकता है। मेरा आपसे सिर्फ ये हम्बल सवाल था क्या आप कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा किसी और इशू को एड्रेस करेंगे मुस्तकबिल में? अगर तमाम जो मसाइल हैं उनकी जड़ ही मुत्तहिदा हो तो मुझे डिस्कस करना ही पड़ेगा, इसलिए कि कराची के मामलात के ऊपर कराची के मालिक जाहिर करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग अपने आप को। कराची के अंदर ठेले वाले का कत्ल कर देते हैं इसलिए यह कहकर के साहब पठानों का इन्फ्लेक्स रोकना है, मोची का मेरी आप पूरी बात सुन लीजिए, क्या आप पठान का कत्ल इसलिए कर रहे हैं कि पठानों का इन्फ्लेक्स रोकना है?
कि ये यहां आके शहर में हमारी तादाद को कम करेंगे, हमें मिनोरिटी में तब्दील कर देंगे। मैं बात ये करता हूं कि जनाब आप असेंबली में बैठे हुए थे, अब असेंबली में बैठकर आपने कौन सी कानून साजी की इस इन्फ्लक्स को रोकने के लिए? आपने कभी किसी को ये मशवरा दिया? कभी आपने इनकरेज किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन इलाकों में जहां से लोग यहां आ रहे हैं रोजगार के हुसूल के लिए? कभी आपने कच्ची आबादियों को रोकने के लिए कोई कानून साजी की कि जनाब हम जैसे शरीफ और गरीब लोग बरसाहा बरस किराए के मकान में रहते हैं लेकिन जमीन इंक्रोच करने का तसव्वुर नहीं कर सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आफाक अहमद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाजीन आपने देखा आफाक अहमद की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त मुहाजिरों के लिए दो लीडर्स हैं, अल्ताफ हुसैन और आफाक अहमद। मुहाजिरों को ये डिसाइड करने, चूंकि उनकी प्रायोरिटी मुहाजिर है, कि आपके लीडर कौन है, और फिर जाके वोट कीजिए और फिर देखिए कि मुल्क के मसाइल कौन हल कर रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।